देखिए, ये जो लव की एक यूनी डायमेंशनल एक का जो नैरेटिव है ना, कि एक किस्म का रिश्ता प्रिस्क्राइब किया गया सदियों से विश्व में, उसकी अहमियत आज की तारीख में सिर्फ एक दिखावे के लिए है। जिस तरह बड़ा वक्त लगा समाज को एक होमोसेक्सुअल रिश्ते को एक लीगल एक्सेप्टेंस देने के लिए, मल्टी पार्टनर रिलेशनशिप एक रियलिटी है। हमने तो 1973 में जब मंजिलें और भी हैं जो मेरी पहली फिल्म बनाई थी, उसमें वो कहानी एक लड़की और दो मर्द के थे, अ प्रोस्टिट्यूट एंड टू कॉन मैन ऑन द रन, क्रिमिनल्स ऑन द रन। तो हमको तो जब 21-20 साल के थे तो हमको लगा था कि इट्स अ मैटर बिटवीन टू कंसेंटिंग एडल्ट्स, कि वो एक वन मैन वन रिलेशनशिप रखना चाहते हैं, वो मल्टी पार्टनर रिलेशनशिप रखना चाहते हैं, वो उनकी मर्जी के अनुसार ज़िंदगी जीने का उनको अधिकार है। मगर हमारी प्रॉब्लम यह है कि हम जो हैं दूसरे को अपने शर्तों पे ज़िंदगी जीने देते नहीं हैं। हम चाहते हैं कि दूसरा भी आपके सिद्धांतों के अनुसार ही जिए, और अगर वो ऐसा नहीं करते तो आप उसको बुरा भला कहते हैं, उनको डराते हैं, धमकाते हैं, कलेक्टिव बुलिंग होती है। तो मेरा ये मानना है कि दर ऑल लाइक इट टेक्स ऑल काइंड्स ऑफ पीपल टू मेक दिस वर्ल्ड, टेक्स ऑल काइंड्स ऑफ लव टू मेक दिस वर्ल्ड। इसमें एक वन मैन वन वुमन रिलेशनशिप भी है, इसमें होमोसेक्सुअल रिलेशनशिप भी है, देर आर गेज अपना होमोसेक्सुअल, देर आर लेस्बियंस, देर इज मल्टी पार्टनर रिलेशनशिप। जितनी बड़ी दुनिया है उतने विभिन्न तरीके हैं लोगों के अपने पर्सनल सेक्सुअल प्रेफरेंसेस और अपनी इमोशनल प्रेफरेंसेस को का इजहार करना। एंड आई थिंक as long as they don't tamper with somebody else's way of life and they do it within the privacy of their own home, it is something, and it's not criminal by the standards of the society that you live in, I think it is just fine with me.